जिला परिषद काडर कर्मचारी पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर बैठने के चलते अब जिला कुल्लू में पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। इस खबर के प्रायोजक है हिमाचल एग्रीकल्चर इनपुट। जिला परिषद कैडर कर्मचारी विभाग में विलय चाहते हैं। इससे पहले कर्मचारी महासंघ द्वारा कई बार सरकार को अपनी मांगों के बारे में अवगत करवाया गया है। पिछले साल भी कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की गई थी, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कर्मचारियों की मांगों को सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में जिला कुल्लू में एक बार फिर से जिला परिषद कार्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें जो है विभाग में लाया जाए, इसके अलावा हमारी कोई दूसरी मांग नहीं है। और जैसे कि पिछले दिन हमें सरकार और विभाग से एक आश्वासन मिला है कि अगले कल के लिए हमें शिमला बुलाया गया है, उसमें कुछ बातें की जाएगी। जब वहाँ से बातें होगी तो उसी के बाद पता चलेगा कि हमें कौन से वो लाभ दे रहे हैं या किस या विभाग में जोड़ रहे हैं या नहीं जोड़ रहे हैं। कितना दिन आज स्ट्राइक का और क्या कुछ कहा, कितने कर्मचारी स्ट्राइक पर बैठे हैं? आज दूसरा दिन कंटिन्यू स्ट्राइक का है और आज 38 हमारे जो कर्मचारी जिला परिषद कर्मचारी है वो इसमें जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमारा ऊपर एक ही मांग एक ही नारा विभाग में विलय, हमारा ये हमारा एक मकसद है कि हमें विभाग में लिया जाए। कितने वर्षों से देख रहे हैं कि दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से मोहर सिंह पुजारी की रिपोर्ट। हिमाचल एग्रीकल्चर इनपुट का उत्पाद काला मोती। काला मोती यह एक उत्पाद है जो सक्रिय कार्बन प्रौद्योगिकी पर काम करता है, एक्टिव कार्बन टेक्नोलॉजी, उत्कृष्ट पोषक उपयोग दक्षता, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी के साथ। काला मोती 84 प्रकार के प्राकृतिक पौधों के घटकों सहित सभी पौधों की सामग्रियों का एक संयोजन है। यह 14 प्रकार के रोगाणुओं की प्रकृति में कार्बनिक है जो सभी प्रकार की बीमारी के इलाज में मदद करता है और पौधों की नई सफेद जड़ों को विकसित करने में मदद मिल सके। मिट्टी से पौधों द्वारा खाद्य प्रणाली का बेहतर उत्थान। यह लंबे समय तक धीमी गति से जारी उर्वरक है। यह उत्पाद अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड और फ्लूविक एसिड से समृद्ध है। मृदा अनुप्रयोग के तहत सभी प्रकार के उर्वरक के साथ संगत इसका एक दानेदार उत्पाद मिट्टी, कार्बन सामग्री, वायु छिद्रण की जल धारण क्षमता में सुधार करने वाले एकजुट के रूप में काम करता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया तकनीकी एक्सपर्ट से संपर्क करें। काला मोती का योग संपूर्ण वातावरण निरोग। संपर्क करें 9882031400। जिला परिषद काडर कर्मचारी पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर बैठने के चलते अब जिला कुल्लू में पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। इस खबर के प्रायोजक है हिमाचल एग्रीकल्चर इनपुट। जिला परिषद कैडर कर्मचारी विभाग में विलय चाहते हैं। इससे पहले कर्मचारी महासंघ द्वारा कई बार सरकार को अपनी मांगों के बारे में अवगत करवाया गया है। पिछले साल भी कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की गई थी, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कर्मचारियों की मांगों को सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में जिला कुल्लू में एक बार फिर से जिला परिषद कार्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें जो है विभाग में लाया जाए, इसके अलावा हमारी कोई दूसरी मांग नहीं है। और जैसे कि पिछले दिन हमें सरकार और विभाग से एक आश्वासन मिला है कि अगले कल के लिए हमें शिमला बुलाया गया है, उसमें कुछ बातें की जाएगी। जब वहाँ से बातें होगी तो उसी के बाद पता चलेगा कि हमें कौन से वो लाभ दे रहे हैं या किस या विभाग में जोड़ रहे हैं या नहीं जोड़ रहे हैं। कितना दिन आज स्ट्राइक का और क्या कुछ कहा, कितने कर्मचारी स्ट्राइक पर बैठे हैं? आज दूसरा दिन कंटिन्यू स्ट्राइक का है और आज 38 हमारे जो कर्मचारी जिला परिषद कर्मचारी है वो इसमें जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमारा ऊपर एक ही मांग एक ही नारा विभाग में विलय, हमारा ये हमारा एक मकसद है कि हमें विभाग में लिया जाए। कितने वर्षों से देख रहे हैं कि दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से मोहर सिंह पुजारी की रिपोर्ट। हिमाचल एग्रीकल्चर इनपुट का उत्पाद काला मोती। काला मोती यह एक उत्पाद है जो सक्रिय कार्बन प्रौद्योगिकी पर काम करता है, एक्टिव कार्बन टेक्नोलॉजी, उत्कृष्ट पोषक उपयोग दक्षता, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी के साथ। काला मोती 84 प्रकार के प्राकृतिक पौधों के घटकों सहित
सभी पौधों की सामग्रियों का एक संयोजन है। यह 14 प्रकार के रोगाणुओं की प्रकृति में कार्बनिक है, जो सभी प्रकार की बीमारी के इलाज में मदद करता है और पौधों की नई सफेद जड़ों को विकसित करने में मदद मिल सके। मिट्टी से पौधों द्वारा खाद्य प्रणाली का बेहतर उत्थान। यह लंबे समय तक धीमी गति से जारी उर्वरक है। यह उत्पाद अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड और फ्लूविक एसिड से समृद्ध है। मृदा अनुप्रयोग के तहत सभी प्रकार के उर्वरक के साथ संगत इसका एक दानेदार उत्पाद मिट्टी, कार्बन सामग्री, वायु छिद्रण की जल धारण क्षमता में सुधार करने वाले एकजुट के रूप में काम करता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया तकनीकी एक्सपर्ट से संपर्क करें। काला मोती का योग संपूर्ण वातावरण निरोग। संपर्क करें 9882031400।